हाय गाइस, वेलकम। आप भी रसोई मैं आपको आज आलू सेम की सब्जी बनाने सिखाने जा रहा हूँ। ये लगाया मैंने जीरे का तड़का। जीरे के बाद हम इसमें ऐड करते हैं लहसुन। लहसुन की कलियाँ बहुत ही शानदार होती हैं खाने में। और ये अच्छे से भून लीजिए, नहीं तो इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। अगर लहसुन कच्चा रह जाए तो लोगों को स्मेल आती है, इसलिए इसे हल्का सुनहरा होने तक भुने, इसलिए सबसे पहले इसे ही डाला जाता है। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची, अदरक, प्याज कटा हुआ ऐड करेंगे। थोड़ी देर ही इसे भुनने देंगे। ये देखिए गाइस, बहुत ही अच्छे फ्लेवर छोड़े गए इस ऑयल में। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, नमक है, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया और गरम मसाला और दूसरी लाल मिर्ची। ये हमने नमक इसमें पहले ही ऐड किया है जिससे इसका फ्लेवर अच्छा है, बाद में इसमें ऐड नहीं होता क्योंकि उससे भी सब्जी बनती है। ठीक है गाइस, मैंने घोल लिया है, घोल बना लिया है सब चीज़ का मिक्स। हम घोल डालेंगे, घोल इसलिए डालेंगे क्योंकि सूखी सब्जी रहती है और मसाला जला हुआ अलग दिखाई देता है, इसलिए हम इसमें घोल डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मसाला पानी छोड़ गया, तेल अलग अलग दोनों दिखाई दे रहे हैं, इससे हमें पता लगता है कि मसाला तैयार है। हम इसे एक बार चला के भी देख लेंगे। अब इसमें मिक्स करेंगे हम आलू सेम। ये मैंने पहले काट रखी है, बहुत बारीक तो नहीं काटते, इसे थोड़ा बड़ा ही रखते हैं। अब इसे हम चला देंगे। चलाने के बाद इसमें आप सेम ज़्यादा है आपके पास तो पानी नहीं ऐड करेंगे, अगर सेम कम है तो पानी इसमें थोड़ा सा ऐड करके ढक देंगे। सूजी रेसिपी ग्रेवी बनके तैयार। ग्रेवी तो नहीं होती है इसमें। इसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे नाम के लिए, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इसे सुखाना भी होता है, अगर सूखी नहीं तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। एक सूखी हुई ग्रेवी है। अब इसमें इतना पानी बहुत है गलाने के लिए आलू। अब इसे हम ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए, जब तक उसमें एक दो बार उफान नहीं आ जाए, जब तक अच्छी नहीं बनी। देखिए दोस्तों, ये बन के हमारी सब्जी तैयार। अब इसे हम एक बार चला लेते हैं, क्या शानदार बनिया, मज़ा ही आ जाएगा गर्म गर्म खाने में। अब इसे एक आलू फोड़ के देख लेते हैं। हाँ, ये हमारा आलू फूट रहा है और ये गल चुकी है, सब्जी बन के रेडी। अब इसे हम कर देते हैं बंद। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों, बिल्कुल नहीं लगी है कहीं, पानी छोड़ दी, अच्छी बनी है।